एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकितास बिजनेस। सो बच्चों, यहाँ पे हमें आपको एक गुड न्यूज़ देनी है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि AKTU ने अपना राउंड वन जो है वो रिलीज कर दिया है। अगर आपने अपना रिजल्ट अभी तक चेक नहीं किया है तो फटाफट से जाकर के अपनी रैंक को देखो। और मैंने जो प्रीवियस रिकॉर्ड बताया हुआ था कि 2022 और 2023 का रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, इस बार का भी हम आपको बोल रहे थे कि इस बार का हो सकता है कि 2022 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लो जाएगा। ऐसे 2023 से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि 2023 में जो यहाँ पे रिकॉर्ड आया हुआ है, हो सकता है 2024 का जो रिकॉर्ड आएगा वो ये भी हो सकता है कि इससे कम भी हो सकता है, और हो भी सकता है कि इससे ज्यादा भी हो जाए। तो फिलहाल जो यहाँ पे आया हुआ है रिकॉर्ड, वो कहीं ना कहीं एक तरह से शॉकिंग रिकॉर्ड है। और जो 2022 है उसके कंपेरिजन में तो चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लो गया हुआ है, लेकिन 2023 के अकॉर्डिंग इतना लो नहीं गया हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछे थे कि मैम AKTU का जो है हमें समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा, आपको वो रैंक देखनी है, जो आपकी रैंक लिखी होगी, आप लोग राउंड वन वाला जो प्रोसेसर है, राउंड वन का जो प्रोसेसर पूरा का पूरा है, आप फटाफट से जाकर के लॉग इन करके देखो कि आपका जो वहां पे लिखा होगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, आपको वहां पे लिखा होगा कि कौन सी ब्रांच मिली है, प्लस आपको वहां पे नीचे रैंक मिला होगा। आपको उस रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालाइज करना है कि 2022 में, 2023 में, 2021 में क्या इनका रिकॉर्ड था, उसके अकॉर्डिंग इस बार कट ऑफ नीचे गई है या कट ऑफ थोड़ा हाई गया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे पहले आपको जब AKTU वाला मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था, मैंने उसमें आपको क्लियरेंस भी दिया था। तो फिलहाल अभी आपके लिए यहाँ पे गुड न्यूज है कि जा करके अपना रिजल्ट चेक करो। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि आफ्टर रिजल्ट फर्स्ट राउंड आपको क्या करना होगा, किन किन बच्चों के यहाँ पे नाम आए हैं उनको अब क्या क्या करना होगा, और जिनका नाम नहीं आया है तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिक सेकेंड राउंड में चले गए हैं। जिनका नाम आ चुका है उनको क्या करना होगा, अब आप वो बात सुनो। तो देखो, मैं आपको बताऊंगी, जब आप यहाँ पे ओपन करोगे तो उसमें लिखा होगा व्यू सीट अलोकेटेड रिजल्ट, तो आपको वो सीट जो है एलोकेशन रिजल्ट जो होगा वो आगे लिखा होगा कंप्लीटेड। ठीक है, आपको वहां पे सीट वो जो लिखा होगा ग्रीन कलर में कंप्लीटेड लिखा होगा, उसके जस्ट बाद आपको क्या करना होगा, सीट को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे कि BHU DU सब में ये था कि आपको जब मिलेगा तो उसके बाद उस सीट को आपको एक्सेप्ट करना होगा। आपने अगर सीट एक्सेप्ट नहीं करी होगी तो आगे लिखा होगा इनकम्प्लीट, अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली होगी तो आगे लिख जाएगा कंप्लीट। सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपको वहां पे सबमिशन के लिए आपको नॉर्मली यहां पे बोला जाएगा कि भाई अब आपको यहां पे क्या करना है, सबमिशन करना है। उसके बाद जब आप सबमिशन कर दोगे तब वहां पे एक आपको लेटर मिलेगा, आपको वो लेटर प्रोविजनल लेटर होगा। अब उस लेटर को क्या करना है, उस लेटर को रखे रहना है। वो लेटर जब आपको यहां पे ऑफलाइन बुलाया जाएगा तो उस टाइम पे आपको यहां पे लेकर के ही जाना होगा। अगर आप वो लेकर के नहीं जाओगे तो वहां पे इशू हो सकता है रिजल्ट में, एडमिशन में, वरना आप वो लेकर के जाओगे तो वहां पे आपको आराम से, मतलब कोई इशू होगा नहीं, डॉक्यूमेंट कोई मिसिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली चार पॉइंट करने, एक तो सीट एलोकेशन देखना है, उसमें कंप्लीट करना है, एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद आपको सबमिशन करना है, उसके बाद आपका लास्ट में एक लेटर आ जाएगा, उस लेटर को कर लेना है डाउनलोड। फिलहाल तक का तो अभी तक तो फिलहाल हम यही बोलेंगे कि ये एग्जैक्ट चीजें हैं। अगर हम रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे बच्चों का यहाँ नाम आया हुआ है, तो मतलब जो इनकी लिस्ट में, मतलब जो रैंक गई हुई है वो रैंक कुछ 1,62,000 समथिंग गया हुआ है। तो अगर हम पहले 2022 और 2023 में अगर हम देखें उनका कुछ मतलब मैच करें तो 2022 के अकॉर्डिंग तो चलो ठीक है, लेकिन 2023 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा शॉकिंग है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग फटाफट से चेक करो कौन सा आपको ब्रांच मिला है, क्या है इन सबके बारे में। फिर आगे जब भी कुछ आएगा प्रोसेसर मैं आपको तुरंत बताऊंगी, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। फिलहाल अभी जा करके अपना रिजल्ट को चेक कर लो। कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, जिनका एडमिशन हुआ है, जिनका नहीं भी हुआ है वो अपना सेकंड राउंड में ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे, उनको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके मार्क्स कम है तो उसके लिए तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर कोई यूनिवर्सिटी और मिल रही है तो आप उस यूनिवर्सिटी में चले जाना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।